हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट रही है, हम क्यों छोड़ें। हकीकत यह है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वह सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि वह सब गलत है। भाई मैं कितनी सीटों की मांग रखूं, ये सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गठबंधन धर की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ। क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन को डर होगा? अच्छा आप यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ है। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता। विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें जरूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए हैं। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा। और विपक्षी एकता की जहां तक आपने बात की भाई, महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। मुख्यमंत्री अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और खास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली। मैं बार बार दोहराता हूं, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता। भाई मैं कितनी सीटों की मांग रखूं, ये सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गठबंधन धर की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। ये ऐसे विषय हैं जो गठबंधन के भीतर चर्चा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मैं कई विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हकीकत यह है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वह सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि वह सब गलत है। भाई हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट रही, हम क्यों छोड़ेंगे। करता हूं, बिहार इन्हीं कारणों की वजह से देश में विदेश में गलत कारणों से सुर्खियां बनता। कभी हम लोग का पुल हवा से गिर जाता, कभी निर्माण होता हुआ पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में ढह जाता, कभी यहाँ पे बांध चूहे कुतर जाते हैं। यही कारण है कि बिहार और बिहारियों को इतनी हीन भावना से दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है। इस छवि को बर्बाद बनाने में और बिहारियों की छवि को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगभग पिछले 2 दशक से रहे हमारे मुख्यमंत्री जी की है ना, उन्हीं के कार्यकाल में ये हो रहा है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पे कल खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप बताइए, जिस प्रदेश में आँख खुलने से पहले अलग अलग जिलों में हत्याएं हो रही, सुर्खियां हमारा प्रदेश सिर्फ हत्या को लेकर, अपहरण को लेकर, डकैती को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पुल गिरने को लेकर, बांध टूटने को लेकर, पुलिस थाने में पड़ी हुई शराब के गायब हो जाने को लेकर, जब इन्हीं बातों को लेकर जब सुर्खियां हमारा प्रदेश बनता हो, यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि खराब होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि अपना ध्यान केंद्रित करें इस दिशा की ओर, पर मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है भैया कि बिहार का एक बार भ्रमण कर लें। आखिरी तस्वीर मुझे दिखाइए, उड़ीसा में एक हादसा हुआ, कम से कम इस बात का संतोष तो है लोगों को कि प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे वहां पर, रेल मंत्री वहां पे दिन रात कैंप करके उन्होंने सत्य जानने का उन्होंने प्रयास किया। मेरे मुख्यमंत्री की एक तस्वीर कोई दिखा दे,
जो किसी ऐसे हादसे पर गए हो घटनास्थल या कहीं पे हत्या हुई हो, भले इन्हीं के ही महत्वाकांक्षी परियोजना की ढिलाई की वजह से शराबबंदी से ही कहीं पे कोई हत्या हुई हो, कोई एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी ने आज तक जाके मिलना जरूरी समझा, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहार की योजनाओं पर ध्यान देने की, परिणाम स्वरूप अधिकारियों का मनोबल है, उदासीनता है, कारण जो भी है, पर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जिसपे हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।